देश में लागू की जाती है उसमें एक अनैतिक तरीके से जो लीडर ऑफ अपोजिशन को दबाया गया, ये बहुत बड़ा असराहनीय कार्य है। मैं आज बीजेपी सरकार को उन्हीं के आया है साढ़े जिला अध्यक्ष जी ने नशे सब चाहते थे प्रोटेस्ट कराने एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है और इस प्रोक्रेसी की हत्या की गई है और साढ़े जम्मू कश्मीर के अंदर जो पूरे देश के अंदर ही ला लो कि अनडिक्लेयर्ड जी एमरजेंसी है एक लगाई दी गई है भाजपा सरकार की तरफों और उन्हें किस तरह करने जोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है क्योंकि तुम देखा कि उसी जरा डिसक्वालीफाई करने का जोड़ा मकसद हा वो एक ही हा कि राहुल गांधी जी जड़े एक देश की आवाज़ बनी उभरा दे हैं जनता की आवाज़ बना दे हैं युवाओं की आवाज़ बना दे हैं और अडानी पर खास करिए अडानी पर जड़ा है रोज एक नया प्रश्न ले संसद के अंदर आ रहे हैं और अडानी पर जवाब इस सरकार को मंगा रहे हैं हूँ जड़ा ये राहुल गांधी जी की जड़ा दबाने का प्रयास किया गया है अब तो ये आखागे कि राहुल गांधी जी तो बहाना है असल में अडानी को बचाना है अडानी का जड़ा मसला हा उदा जड़ा ध्यान हा देश का उसी भड़काना हा और राहुल गांधी जी का जड़ा ध्यान हा वो लियाना हा लेकिन मैं सानू गांधी लगता है मेरे नाल सावरकर नहीं लगता कि मैं माफी मंगा मैं देश की जनता की आवाज है और आवाज बनी रोना है और उन्हें माफी मंगने तो साफ इनकार किया मंगा क्योंकि मैं सच्चाई पर चलाना और सच्चाई दे जड़ा पथ है उसी मैं कभी नहीं छड़गा प्रयास करे ना मैं जनता की आवाज दबन देगा और ना ही जी है अपनी आवाज भी दबन देगा क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने भी जवाब दिता कि अपना खून बहाए दा है देश की बनाने तय अपना लहू बहाए दा है वो गांधी परिवार है मिगी भाजपा के तीन नेता के नाँ दसी दौ कि आजादी के बिच अस कोई तीन ना ले सकी है कि भाजपा के तीन नेता जो आजादी के लड़ाई से शामिल है तुम कांग्रेस दिखी सकते हो महात्मा गांधी का उदाहरण ले सकते हो राजीव गांधी जी ले सकते हो इंदिरा गांधी जी ले सकते हो लाल बहादुर शास्त्री जी ले सकते हो जवाहरलाल नेहरू जी का नाम ले सकते हो लेकिन आजादी की लड़ाई च भाजपा के तीन नेता का नाम दस दो जो सू पाठ पढ़ाते हैं वो कोशिश करता है उसी गवाया जाता है और आवाज की होंगी है कि कोई महंगाई का मुद्दा चुक कि जनता की आवाज बनग कोई बेरोजगारी का मुद्दा चुक युवाओं की आवाज बनग उसी आवाज भी चुकने का प्रयास करेंगे उसी दबाने का प्रयास किया ये संकल्प सत्याग्रह जो है जिला कांग्रेस कमेटी और हमारे तमाम जो पदाधिकारी हैं आज यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि हिंदुस्तान में जो एक किस्म से अघोषित एमरजेंसी जो लगी हुई है अनडिक्लेयर्ड एमरजेंसी जो लगी हुई है उसके खिलाफ जो फासिस्ट फोर्स है जो ऑटोक्रेटिक तरीके से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहेव कर रहे हैं जिस तरह से पार्लियामेंट में 20,000 करोड़ रुपये का जो शेल कंपनियों में लगा हुआ है उनके लगातार सवालों का जो जवाब नहीं दिया जा रहा है पार्लियामेंट में हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर जो प्रयास कर रहे थे और पार्लियामेंट को एक तरफ से स्टॉल करके रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ एक संकल्प है और हम सब लोग अपने राष्ट्रीय नेता राहुल जी के साथ उनके संघर्ष के साथ जुड़े हुए हैं और अब तब तक जब तक राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसके लिए उनके सदैव साथ खड़ा है और जिस तरह से कोशिश की गई है राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने की जिस तरह से कोशिश की गई है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमें हकूक हैं उनको दबाने की कोशिश की है उसके खिलाफ सदैव इंडियन नेशनल कांग्रेस रहेगी। ये मुल्क को आज़ाद कराने में कांग्रेस का अहम रोल रहा है उस समय भी ये लोग चाहे भारतीय जनसंघ के नाम पर थे चाहे ये लोग जनता पार्टी के नाम से थे या आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से हैं ये लोग उस समय आज ये लड़ाई जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की है ये काले अंग्रेजों के साथ है यो वो लोग जो इस देश को लूटना चाहते हैं इस देश की संपत्ति को बेचना चाहते हैं और मात्र अंबानी और अडानी के हवाले ये देश करना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस के सिपाही कांग्रेस के साथी और हमारे नेता राहुल गांधी ने जो बीड़ा उठाया हुआ है हम उनके साथ हैं और इस संकल्प के साथ कि हम तब तक सब लोग सड़कों में चौराहों में सत्याग्रह के माध्यम से जो कि एक हमारा टूल है उसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और जितने भी हमारे जनहित के मुद्दे हैं उनको लेकर हम आगे चलते रहेंगे। हो सकता है अगर गांधी जी के सत्याग्रह से नहीं निपटा जा सकता तो राहुल गांधी जी भी जमानत ले सकते थे लेकिन उन्होंने प्रेफर किया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा सावरकर की तरह मैं पूरी तरह से फेस करूंगा और राहुल गांधी जी ने उसको फेस किया और ये चेहरा दिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी का कि माफ़ीनामे वो लोग लेते रहे हैं हम लोग संघर्ष करते हैं और हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष के राह से वापस इन लोगों को ये दिखाएंगे कि जो रास्ता हमने चुना है गांधीवादी का वही देश को आगे ले जा सकता है और इस दुनिया के संदर्भ में आज भी
नॉन वायलेंस और गांधीवादी तरीका ही एक ऐसा है जो लोकतंत्र के सही मूल्यों को बचा सकता है और इस देश की जो सेकुलरिज्म सोशलिज्म डेमोक्रेसी है उसके लिए ये गांधीवादी नीतियाँ ही हमारी आगे चलेंगी। राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, आपने देखा होगा कि फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर लोगों का जो उत्साह हजूम जो लोग उनके साथ चलते थे और जो की तरफ बढ़ रहे हैं और ये आपको 2024 के चुनाव हों या जम्मू कश्मीर में आज चुनाव करके देख लें, भाजपा को अपना जो मुखौटा जो उन्होंने पहन रखा हुआ है, जो इस समय उन्होंने ये सोच के चल रहे हैं कि सब लोग हमारे साथ हैं और किसी तरह अपना जात पात के नाम या धर्म बरादरी के नाम जो लोग ये वोट करते रहे हैं बंटाधार करते रहे हैं वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में कांग्रेस जो है जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और पूरा विपक्ष इस समय एकजुट है, राहुल गांधी जी के साथ जुटा हुआ है, हम सब लोग संघर्ष करेंगे और भाजपा को जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं विघटनकारी ताकतें जो हैं उनके खिलाफ एक लंबा संघर्ष रहेगा और हम लोग इनको उखाड़ के फेंकेंगे। ये जो संकल्प सत्याग्रह है किस तरह से देखते हैं आप? ये जो आज का सत्याग्रह है ये इस विषय को लेके है, आपने देखा कि किस प्रकार संसद में अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, चाहे कोई भी नेता हो विपक्ष का, जब भी लोगों की आवाज़ उठाने का प्रयास करता है उसको दबाने का जो प्रयास है इस सरकार के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किया जाता है। उसी प्रकार हमारे राहुल गांधी जी को संसद से डिस्क्वालीफाई किया गया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो असली उसके पीछे मकसद था वो अडानी को बचाने का था, क्योंकि आपने देखा कि रोज़ अडानी के जो अडानी ने घोटाला किया था उसके जो सवाल थे वो राहुल गांधी जी संसद में उठाते थे और इस सरकार से जवाब मांगते थे, उस जवाब ना देने का जो एक ध्यान भटकाने का जो कार्य था सरकार ने राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई करके किया और इस देश में जो हमारा लोकतंत्र था उसकी हत्या की गई और जो भी विपक्ष का नेता जनता की आवाज़ बनता है उसको दबाया जाता है, चाहे वो महंगाई की आवाज़ उठाए, चाहे वो युवाओं की आवाज़ उठाए, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर आवाज़ उठाए, हर आवाज़ को दबाने का प्रयास इस हथियारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और हम मीडिया के माध्यम से ये कह देना चाहते हैं कि हमारे नेता को और हमारी जनता की आवाज़ को अगर दबाने का प्रयास किया गया तो इस सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। पहले राहुल गांधी जी जनता के साथ खड़े थे, आज जनता राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है। जय हिंद, जय भारत।